है, क्या फाइनल मेथड इनहेरिट हो सकता है? बताओ, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। बताइए, हो सकता है? ठीक है, फाइनल मेथड जो है इनहेरिट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास में अगर फाइनल लगा होता, जैसे यहाँ क्लास बाइक है, ठीक है, यहाँ पे मैं फाइनल लगा देता, ठीक है, यहाँ पे अगर फाइनल मैं लिख देता, ठीक है, तो क्या होता, क्लास बाइक जो है इनहेरिट नहीं होता, है ना? लेकिन हम लोग ने किस में लगाया है? मेथड में लगाया है, क्लास में नहीं लगाया, और इनहेरिट हम लोग क्लास को करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर किसी मेथड को फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग उसको इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज ब्लैंक और अनइनिशियलाइज्ड फाइनल वेरिएबल? ठीक है, हमने पढ़ा कि ब्लैंक और अनइनिशियलाइज्ड फाइनल वेरिएबल होता है, लेकिन क्या होता है हमको नहीं पता है, ठीक है। ए फाइनल वेरिएबल दैट इज नॉट इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन इज नोन एज ब्लैंक और फाइनल वेरिएबल। If you want to create a variable that is uninitialized at the time of creating object, once initialized may not be changed. It is useful. For example, PAN card number of an employee. ठीक है, it can be initialized only in constructor. ठीक है, तो अगर हम लोग कोई भी declare कर लिए final variable और उसमें हम लोग declare करते time पे हम लोग उसको initialize नहीं किए, तो हम लोग उसको बोलते हैं blank variable. ठीक है, ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। ठीक है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम वो इनिशियलाइज हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, उसकी वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल पैन कार्ड नंबर जो होता है, ठीक है, एक बार एंटर कर दिए मतलब कर दिए, ठीक है, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लास स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है, देन उसके बाद int id string name, देन उसके बाद फाइनल स्ट्रिंग पैन कार्ड नंबर हम लोग यहाँ दे दिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने इनिशलाइज नहीं किया है, ठीक है, इनिशलाइज नहीं किया, तो ये क्या बन गया, ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बन गया। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, कैन बी इनिशलाइज ब्लैंक फाइनल वेरिएबल? ठीक है, हम लोग इसको इनिशलाइज कर सकते हैं, लेकिन किस में कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर को यूज करके हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे, जैसे क्लास हमने लिया है यहाँ पे क्लास बाइक 10, फाइनल इंट स्पीड लिमिट हम लोग ले लिए, एक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल है, हमने यहाँ पे इनिशलाइज नहीं किया है। देन उसके बाद हम लोग इस बाइक 10 का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं, बाइक 10, ठीक है, स्पीड लिमिट इक्वल टू 70 हमने इनिशलाइज कर दिया, इस स्पीड लिमिट को हमने 70 से इनिशियलाइज कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हमने, कोई भी रेफरेंस यूज नहीं किया, न्यू बाइक 10, इस टाइप से हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, कोई भी रेफरेंस यहाँ पे यूज नहीं किए हैं। तो अगर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, ठीक है, सिंगल टाइम ही अगर हम लोग कॉल कर रहे हैं तो उस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो आउटपुट मिलेगा 70, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ब्लैंक फाइनल वेरिएबल को कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक फाइनल वेरिएबल दैट इज नॉट इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज नोन एज स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल, ठीक है। एक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल जो होगा, अगर उसको हम लोग इनिशियलाइज नहीं करते हैं, ठीक है, स्टैटिक फाइनल मतलब उसमें स्टैटिक कीवर्ड भी लगा है, फाइनल कीवर्ड भी लगा है, ठीक है। स्टैटिक हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोगों को सबसे पहले मेमोरी असाइन करनी होती है, ठीक है। देन उसके बाद फाइनल मींस अगर उसको कांस्टेंट बनाना होता है, या फिर उसको हम लोग ओवरराइड से रोकना चाहते हैं, उस केस में हम लोग उसको, या फिर हम लोग उसको कांस्टेंट बनाना चाहते हैं, या फिर ओवररिडन से रोकना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग फाइनल यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल को बनाए हैं स्टैटिक और फाइनल, और इसका नेम क्या है, डेटा। तो ये क्या बन गया, स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बन गया, ठीक है। अब इस वेरिएबल को कैसे हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक
ब्लॉक से, ठीक है। तो हमने एक स्टैटिक ब्लॉक बनाया, स्टैटिक लिखा, इस टाइप का ब्रैकेट बनाया, डेटा इक्वल टू 50 हमने कर दिया। देन उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में हमने इस ए डॉट डेटा करके प्रिंट कर दिया। स्टैटिक जो भी हम लोग वेरिएबल बनाते हैं उसको हमेशा क्लास के थ्रू कॉल किया जाता है। तो यहाँ पे कैसे कॉल किए, ए डॉट डेटा मीन्स जितने भी स्टैटिक मेंबर होंगे किसी भी क्लास के, वो पूरे क्लास लेवल के होते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल के नहीं होते, वो क्लास लेवल के होंगे। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके लिए वो कॉमन मेमोरी स्पेस यूज करता है और वैल्यू जो होती है उसकी कॉमन यूज होती है, मतलब सभी वेरिएबल के लिए वो कॉमन होगा। ठीक है, व्हाट इज फाइनल पैरामीटर, इफ यू डिक्लेयर एनी पैरामीटर एज फाइनल यू कैनॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इट। अगर हम लोग कोई भी मेथड में जो पैरामीटर पास करते हैं उस वेरिएबल को हम लोग फाइनल बना देते हैं तो हम लोग उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे एक हमने एग्जांपल लिया, बाइक 11 इंट क्यूब फाइनल इंट एन, एन इक्वल टू एन प्लस टू। ठीक है, उसके बाद हमने एन को क्या किया, तीन बार मल्टीप्लाई कर दिया, क्यूब निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा है, n प्लस टू कर रहे हैं क्योंकि n की वैल्यू मान के चलो 10, 10 प्लस टू क्या होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और किस में स्टोर हो रहा है, वापस n में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे ये लाइन पे n की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बनाया है, यहाँ पे फाइनल बना दिया है इसको, तो यहाँ पे n की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हम। तो उस केस पे क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर बताएगा। ठीक है, तो आउटपुट में हम लोग को मिलेगा कंपाइल टाइम एरर।